हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स के कुछ रिलेशंस पढ़े थे, सॉल्व प्रॉब्लम पढ़ी थी। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यूज एंड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी जो है हमारे पास लेट ए एंड बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। वी विल से दैट ए इज सिमिलर टू बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी सच दैट ए जो है इक्वल टू हो पी बी पी इनवर्स, यानी कि ए को इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो पी बी और पी इनवर्स। देन उस कंडीशन में ए और बी जो दोनों होते हैं मैट्रिक्स वो सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम ये इस तरह भी लिखा जा सकता हो कि अगर यहाँ पे हम पी का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पी इनवर्स का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पी इनवर्स हो गया, ये पी मल्टीप्लाई, यानी कि अगर पी इनवर्स ए पी की फॉर्म इक्वल टू बी हो तो भी हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो दोनों सिमिलर मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ से कुछ इस थ्योरम से कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं हमारे पास। इफ ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स देन द फॉलोइंग आर ट्रू। द फर्स्ट है रैंक ए बराबर रैंक बी, रैंक और ए और रैंक बी जो है वो सेम होंगी। थर्ड, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। सी है हमारे पास, इफ ए एंड बी हैव द सेम आइगन वैल्यू, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। हमारे पास वी विल प्रूव पार्ट सी, हम सिर्फ सी पार्ट को प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ए और बी पार्ट जो है वो ऑब्वियस है। रैंक ए एंड रैंक बी जो है सिमिलरिटी की ट्रांसफॉर्मेशन से हम सिर्फ सी पार्ट प्रूव कर रहे हैं। इफ ए बी आर सिमिलर मैट्रिक्स देन ए बराबर पी डॉट पी ए पी इनवर्स फॉर सम मैट्रिक्स। देन डिटरमिनेंट्स ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस लेमडा पी डॉट पी इनवर्स आई, क्योंकि क्यों लिख सकते हैं पी डॉट पी इनवर्स, बेसिकली आइगन वेक्टर्स होता है पी डॉट पी इनवर्स, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं पी ए पी इनवर्स, तो ए की जगह, सॉरी ए की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलर देन पी बी पी इनवर्स है यहाँ पे, तो पी बी पी इनवर्स माइनस लेमडा पी डॉट पी इनवर्स। तो पी यहाँ से अगर कॉमन ले लें, पी आगे से और बी पी इनवर्स पीछे, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट्स पी बी माइनस लेमडा आई पी इनवर्स, तो ये हो गया डिटरमिनेंट्स पी, डिटरमिनेंट्स बी माइनस लेमडा आई एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ पी इनवर्स। तो डिटरमिनेंट्स पी और डिटरमिनेंट्स पी इनवर्स, बेसिकली अगर ये हमारे पास रिलेशन होता है कि अगर डिटरमिनेंट्स पी ये हमारे पास बी है तो डिटरमिनेंट्स ऑफ पी इनवर्स जो होता है वो वन अपॉन वी होता है। अगर कॉन्स्टेंट की बात करें तो सी है तो वन अपॉन सी होगा, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये बचा हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ बी माइनस लेमडा आई, जो कि इसके इक्वलेंट है, इसके इक्वल है। दस ए एंड बी है द सेम आइगन सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड हैज द सेम आइगन वैल्यू, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक वो पॉलिनोमियल सेम है तो आइगन वैल्यू भी सेम होंगी। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे हम डायगोनलाइजेशन।